हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ गोल्ड रेसर 2, जो कि वो प्रो पैकेज में है दोस्तों। तो आज हम इसमें आपको जो है बताएंगे कि कैसे आपको असेंबल करना, हाउ टू असेंबल रेसर 2 प्रो पैकेज, ठीक है दोस्तों। देन मैं जो है बनाऊंगा कैसे आपको यूज करना है रेसर 2 प्रो और कैसे अलग अलग मेटल को ये बताता है। तो दोस्तों, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा और आशा करता हूँ दोस्तों कि जो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप जो है मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, रेसर 2 प्रो का जो है मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपने हमारा जो है वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि रेसर 2 प्रो पैकेज में आपको क्या क्या चीज मिलता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो है मैं दोबारा भी जो है ओपन तो कर ही रहा हूँ पैकेट को, तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज मैं इसमें से जो है दिखा रहा हूँ आपको। एक बैग है, कैरी बैग, ये होस्ट मशीन है, दोस्तों ये 3 स्टिक होती है जिसमें से ये दोनों सेम ही है, एक रॉड एक्स्ट्रा देते हैं। ये हेडफोन मिलता है दोस्तों, और इसमें ये देखिए जो कि 5 इंची की कॉइल होती है जो स्पेशली नगेट हंटिंग के लिए होती है दोस्तों। और ये डबल डी प्लेट होती है जो कि 11 इंची की है, ठीक है। इसमें 2 कॉइल मिलेगा आपको प्रो पैकेज में, बाकी रेन कवर होता है और यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। और दोस्तों ये 3 नट होते हैं, इसमें कार चार्जर होता है, बैटरी और सेल चार्ज करने का चार्जर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना सामान जो है मिलता है। हाँ तो दोस्तों, अगर जो है फुल वीडियो आपको देखना है अनबॉक्सिंग का रेसर 2 प्रो पैकेज का, तो मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जो है दोस्तों आप वहाँ से जाकर के फुल आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको जो है बढ़िया परफेक्ट से मैंने उस वीडियो में बताया हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे असेंबल करना है और कैसे आपको यूज करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास ये होस्ट मशीन है, 2 स्टिक है और मैं जो है बड़ी कॉइल जो कि 11 इंची का है मैं इसे ज्वाइंट करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका नट होता है, सबसे पहले जो है इसमें देखिए ये ट्रिगर बना होता है, ठीक है। आपको जो है ये लॉक को जो है नीचे की तरफ दबाना होता है और यहाँ पर जो है अंदर एक लॉक बना होता है, आप जो है इसे घुमा करके उंगली डाल करके आप जो है देख सकते हैं, जब नीचे बैठ जाता है ना तो ये अंदर आसानी से चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लॉक बना होता है, जब ये जाएगा ये लॉक अपने आप जो है लॉक हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 2 रबड़ दिया जाता है जो कि इसमें लगाया जाता है। इसको लगाने से क्या होता है ना, जो कॉइल हिलता रहता है ना वो हिलेगा ना, पूरा जाम कर देता है उसे अच्छे से, ताकि आपको चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ये लॉक बना होता है, आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग जहां पर चाहें आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर ला करके कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इस वायर को जो है आप प्रॉपर जो है रैप कर दीजिए इसमें,
मशीन में, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद इसमें जो देखिए 5 पिन होते हैं, ठीक है, एक खांचा बना होता है, खांचे सेम टू सेम मिलेगा तभी जाएगा, जबरदस्ती इसमें नहीं करनी होती। उसके बाद चूड़ी बनी होती है, टाइट कर दीजिए। तो देखा ना दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। और दोस्तों कंपनी जो है 4 सेल देती है खुद ही, ठीक है। सेल कहाँ लगाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे बैक साइड में ये देखिए लॉक बना होता है, ठीक है। लॉक को आसानी से जो है खींचना होता है, जबरदस्ती मत करना दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। सेल को आप जो है माइनस प्लस देख करके आप सही से लगाइएगा। उसके बाद देन आपको जो है इसे फिर से लॉक कर देना है, ठीक है, लॉक हो गया। यहां से जो है ऑन ऑफ का बटन होता है, और ये जो है जैक है, हेडफोन जैक, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने मशीन को जो है ऑन कर दिया, डिस्प्ले देखिए ये लाइट जलने लगा है ना। अब मैं जो है आपको दिखाता हूं कैसे यूज करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब जो है मशीन को मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं जो है मैं हर एक फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मशीन को मैंने जो है ऑन कर दिया। अभी दोस्तों हम जो है कमरे के अंदर हैं, तो कमरे के अंदर क्या होता है कि जो है हर जगह मेटल रखा होता है और मशीन ज़्यादा साउंड करता है। तो आप जो है कमरे के अंदर अगर जो है मशीन यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है, जैसे कि अभी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है जैसे कि मोड है, मोड का मतलब होता है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ऑल मेटल मोड, 2 ट्विन, 3 ट्विन, बीच और डीप। ऑल मेटल का मतलब होता है दोस्तों कि ऑल मेटल पर सभी मेटल को सर्च करेगा, चाहे जो भी मेटल हो वो जो है, जो ये कर्सर चल रहा है ना हमारा, ये एरो जो चल रहा है इस पे जो है हमें बता सकता है कि कौन सा मेटल है। हर एक मेटल का अपना एक आईडी होता है, लेकिन ट्यून वाइज आप जो है नहीं पता कर सकते हैं। ऑल मेटल पर 2 ट्यून है तो 2 ट्यून से आप जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑल मेटल पे जो है 2 मेटल लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास कैंची है, कैंची में 2 मेटल लगा हुआ, ठीक है, आयरन की साइड भी और ये भी साइड लगा रहा हूँ, ट्यून वाइज जो है नहीं पता करा, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसी को 2 ट्यून करता हूँ, 2 ट्यून का मतलब देखिए आयरन का जो है अलग साउंड आ गया, ठीक है, इस पर अलग साउंड आ रहा है। और देखिए 2 ट्यून की वजह से जो है आप पता कर सकते हैं कौन सा मेटल, 3 ट्यून, ठीक है। ये देखें इसका ट्यून अलग आ रहा है, आयरन का ट्यून अलग आ रहा है, ठीक है। 3 ट्यून की तरह जो है आप जो है पता कर सकते हैं इसमें कि कौन सा मेटल हो सकता है। बीच है, आप जो है नदी के किनारे सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर सर्च कर सकते हैं, फालतू चीजों को जो है कैश नहीं करेगा। जैसे ये आयरन है, ठीक है, आयरन वगैरह नहीं सर्च कर रहा है, लेकिन नॉन फेरस मेटल कुछ भी मिलेगा तो उसे सर्च करेगा, ठीक है। ये तो हो गया बीच का। डीप है, डीप का मतलब ही ज्यादा गहरा होता है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा गहराई के लिए भी है डीप, आप देख सकते हैं। आयरन का इसमें भी जो है अलग अलग टोन बता रहा है। तो दोस्तों जब आप जो है आल मेटल पे यूज करते हैं तो कौन कौन सा फंक्शन काम करता है, गेन, गेन को आपको जो है बढ़ाना है, गेन आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा गहराई तक जो है कैच करती है, ठीक है। अब जो है आईडी फिल्टर, नोट्स फिल्टर, आयरन आईडी और टून ब्रेक, अगर आप आल मेटल यूज करते हैं तो इस फंक्शन से सीधा, गेन से सीधा जंप होकर के आल मेटल ओनली पे आ जाता है, थ्रेस होल्ड, ठीक है, और ISAT और ट्रैकिंग, ठीक है।
तो जो है मैं थ्रेश होल्ड पे, अब थ्रेश होल्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों? थ्रेश होल्ड का जो है मैं इसी वीडियो में ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है अभी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? ये तो था दोस्तों थ्रेश होल्ड का फंक्शन ISAT, ठीक है? अब ISAT का क्या मतलब होता है? ट्यून वाइज कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो इन सब का जो है कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों FD शेप क्या है, ठीक है? तो FD शेप का मतलब होता है, ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अब मैं टू ट्यून फंक्शन पे आता हूँ, ठीक है? आयरन का हो गया और जो है नॉन फेरस मेटल हो गया। अब टू ट्यून पे गेन को भी का भी ऑप्शन आ रहा है, ID फिल्टर का भी ऑप्शन आ रहा है, आप जो है ID को फिल्टर कर सकते हैं, जो भी मतलब कि टारगेट है आपका, जैसे गेन पे आ गया, ठीक है? ID फिल्टर पे हूँ, प्लस करूँगा ना, देखिए ये देखिए ये जो एरो चल रहा है ना, प्लस हो रहा है, ठीक है? इसका देखिए, और आयरन को जो है मैंने ऑफ कर दिया, ID फिल्टर कर दिया, ठीक है? जो भी आपको ऑफ करना हो यहाँ से जो है ID फिल्टर से जा करके ऑफ कर सकते हैं। अब मैं माइनस करूँगा तो कम होता जाएगा, ठीक है? देखिए कम हो रहा है, अब ये आयरन को सर्च कर रहा है, ठीक है? अभी तक जो है मैंने ID फिल्टर पर जो है बढ़ा दिया था, अब जो है मैं नॉट फिल्टर पे इसको देखिए, नोट्स फिल्टर पे दो ट्यून आ रहा है ना, आयरन का अलग आ रहा है और नॉन फेरस का अलग आ रहा है। अब नोट्स फिल्टर को अगर मैं जो है प्लस करके बढ़ाता हूँ, इसमें देखिए कैसे बढ़ रहा है, ठीक है? कितना क्लियर आ रहा है इस पे, कितना क्लियर आ रहा है, ठीक है दोस्तों? तो मतलब कि हर एक सिग्नल को फिल्टर करता है अच्छे से आयरन आईडियो जो है, आयरन का आईडियो आप जो है चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं जो है 0-0 कर दिया, ठीक है? अब 0-0 क्या है, आयरन को जो है ऑफ कर दिया, ठीक है? ये देखिए अगर मैं प्लस करता हूँ इसी पे, सॉरी टू ट्यून पे था मैं, देखो कैसे हो रहा है आईडियो, आयरन आईडियो है ना, नंबर बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए कैसे आ रहा है, घटा देता हूँ आयरन बंद हो जाता है, ठीक है? हल्का हल्का आवाज आएगा, ये होता है आईडी, जो आयरन आईडी होता है, तो आयरन आईडी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब टोन ब्रेक है, ठीक है? अगर मैं सबसे पहले इसको 0 कर देता हूँ, टोन ब्रेक को 0 करके इसको देखिए, ठीक है? दोनों ट्यून आ गए। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने बढ़ा दी आयरन को जो है ऑफ, लेकिन जो है नॉन फेरस आइटम जो है उसका साउंड कर रहा है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है, वाइब्रेशन मशीन जो है मेटल के साथ वाइब्रेट भी करेगा। मैं प्लस कर दिया, ठीक है, मेटल आया, ठीक है, आवाज़ भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इसके नीचे भी ऑलरेडी मेटल रखा हुआ, इसलिए मशीन जो है ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। बंद हो गया, जैसे कोई मेटल मिलेगा तो तुरंत वाइब्रेट करेगा। अब मैं इसे जो है ये वाइब्रेशन पर ला करके इसे जो है 0-0 कर देंगे ना, तो वाइब्रेट नहीं करेगा। बैक लाइट का मतलब होता है दोस्तों, ये देखिए माइनस कर रहा हूँ तो जो है ये लाइट है ना वो बंद हो जा रही है। 3, 4, 5 नंबर पर करता हूँ, लाइट पूरा फुल हो जाता है। ये हो गया जो दोस्तों टू ट्यून का होगा। अब थ्री ट्यून का भी यही फंक्शन है, तीन तरीके से जो है आवाज़ आता है हर एक मेटल का। आयरन का अलग ट्यून आएगा, अगर गोल्ड या सिल्वर होगा उसका अलग आएगा, या तांबा पीतल वगैरह होगा तो उसका अलग आता है, ठीक है? तीन तरीके से जो है ट्यून आता है। बीच हो गया, बीच में जो है आप जैसे नदी किनारे सर्च कर रहे हैं तो बीच में आपको ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है? और दीप ज़्यादा गहराई के लिए अगर आपको सर्च करना है दोस्तों, तो दीप का फंक्शन आपको यूज करना होगा। अब मिनरल्स, ठीक है दोस्तों,
अभी यहाँ पर जो है मतलब कि आसपास मेटल है ही, तो जो है उससे आवाज कर रहा है। मिनरल्स का जो है परसेंटेज यहाँ शो कर रहा है, देखिए ये दो दो नंबर आया हुआ है। जहाँ पर हैवी मिनरल्स होता है दोस्तों, वहाँ पर डेप्थ भी कम मिलती है, ठीक है। तो प्योर मिट्टी है तो वहाँ पर ज़्यादा डेप्थ मिलती है। ग्राउंड फेस 90, मिनरल्स देखिए। अब बैटरी कितने परसेंटेज चार्ज है दोस्तों, वो भी शो कर रहे हैं। और लाइट डिस्प्ले, ये जो है बैक लाइट भी है। मैं आपको बैक लाइट कैसे चलाते हैं दोस्तों वो दिखा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, ऐसे करके ये जो इसमें ट्रिगर होता है पीछे, ट्रिगर को जो है आपको ऊपर की तरफ खींचना है और एक बटन दबा देना है, ठीक है। ये आप देखिए लाइट जलने लगा, और उसी को सेम टू सेम आपको जो है ऊपर खींचना है और इसी को जो है बंद कर देना है, तो जो है दोस्तों ये बंद हो जाएगा लाइट। तो ये दोस्तों था कि जो है हर एक फंक्शन के बारे में मैंने जो आपको बारीकी से बताया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।